यूएसपी होती है कि क्या है। अब जैसे कोटक के फंड की क्या यूएसपी, फर्स्ट चीज की ये लोग आयुष्मान भारत को भी कवर कर रहे हैं। आयुष्मान भारत इस समय मतलब लाइक काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है। दूसरा जेनरिक मेडिसिन, अब जेनरिक मेडिसिन में अगर देखा जाए तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट, ये भी इंक्लूड होता है इसमें, जेनरिक मेडिसिन का इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल एक्सपोर्टर है। और थर्ड चीज ये है कि ये क्या कहते हैं, ये दोनों चीज है, थर्ड चीज आप बता रहे थे ना, थर्ड, हाँ थर्ड जो भी आपके ट्रीटमेंट में इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, चाहे वो फॉरेन में हो चाहे वो, तो इंडियन मेक इन इंडिया कंसेप्ट सब लोग जानते हैं, तो इंडिया में वो चीज मैन्युफैक्चर हो रही है। पहले वो चाइना से एक्सपोर्ट की जाती थी, अब क्या है कि इंडिया उस चीज को मैन्युफैक्चर कर रही है और काफी ज्यादा मात्रा में, और ये एक्सपोर्ट भी कर रही है अदर कंट्रीज को, तो ये भी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये तीन जो मेजर पिलर्स हैं ये ज्यादा बूस्ट करेंगे। और इसको आप ऐसे भी देखो कि यार कोविड के बाद घर में जाते हो गए तो पल्स ऑक्सीमीटर और एक मोरपेन लैब का वो ग्लूकोमीटर वाला और एक होता है इसमें खून हल्का सा करके, ये सब सबके घर होने लग गया है। पहले के जमाने में ये सब चीजें इंडिया में बनती नहीं थी, हॉस्पिटल में रहता था, आज घर घर में ये सब चीजें होने लग गई है। ग्लूकोज का डिटेक्शन की किट हो गई, चाहे ब्लड प्रेशर डिटेक्शन की किट हो गई, ये सारी चीजें हर घर में बन रही है, ये सबसे मेन चीज है। तो क्या है कि स्कोप फॉर ग्रोथ देखो कितना ज्यादा है, और पी रेशियो के हिसाब से जो बताया गया है कि मतलब एक ऐसा सेक्टर जो 27% सीएजीआर से ग्रो हो सकता है वो सिर्फ 22% से ग्रो हो रहा है, तो यार इसलिए उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज है, वाई कोटक ये भी बता दिया गया। तो दीज आर द थिंग्स।